वेलकम टू शिखास किचन। मेरे वीडियो पर क्लिक करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेम्पटिंग और टेस्टी रेसिपी। हम बनाने वाले हैं पापड़ी चाट और हम साथ में कॉकटेल पापड़ी चाट भी बनाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं पापड़ी चाट। तो आइए देख लेते हैं पापड़ी चाट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। मैदा 1 कप लेंगे, 1/2 कप सूजी, 2 to 3 कप्स दही लेंगे कर्ड, ग्रीन चटनी लेंगे और इमली की खट्टी मीठी चटनी लेंगे, 1 टीस्पून अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स, सॉल्ट लेंगे 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून लेंगे ब्लैक सॉल्ट, चाट मसाला लेंगे 1 टीस्पून, भुना जीरा यानी कि रोस्टेड क्यूमिन सीड्स लेंगे 1 टीस्पून, 2 टेबलस्पून लेंगे ऑयल, 3 to 4 बॉइल्ड पोटैटोस, ग्रीन कोरिएंडर लेंगे 2 टेबलस्पून और हम ऊपर से गार्निशिंग के लिए लेंगे भुजिया और लेंगे अनार के दाने। तो सबसे पहले हम एक बड़ा बोल लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 कप मैदा और साथ में हम डालेंगे इसमें 1/2 कप सूजी। और अब इसमें हम डाल देंगे नमक, 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ मैं। और 1 टीस्पून डालूंगी अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स, मिक्स करेंगे। और अब मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल, इसको मिक्स कर देंगे हम। और अब पानी की हेल्प से हम अपना डो तैयार कर लेंगे और हमें एकदम टाइट डो तैयार करना है बिल्कुल। तो इस तरह से पानी ऐड करते हुए हम अपना डो बना लेते हैं। तो हमने अपना डो बना लिया है और इसको हम रेस्ट होने के लिए रख देंगे कम से कम 15 to 20 मिनट्स के लिए। तो फ्रेंड्स, हमारे डो को रेस्ट करते हुए 20 मिनट्स हो गए हैं और अब इसमें से हम एक पोर्शन लेंगे। बॉल निकाल ली है आटे में से और अब हम अपने चकले के ऊपर ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से और इसको ऑयल लगाकर हम बेलेंगे। और अगर आपको ऑयल लगाकर बेलने में प्रॉब्लम हो तो आप सूखा आटा लगा सकते हैं। वैसे इसमें नहीं लगाना चाहिए क्योंकि हमारा ऑयल ख़राब हो जाता है उससे। तो मैं इसको ऑयल लगाकर ही बेलूँगी। तो देखिए, इस तरह से बहुत पतला बेलना है हमें, जितना पतला हो सके उतना पतला बेलिए इसे। जैसे हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, इतना पतला बेलना है हमें। तो ये देखिए, इतना पतला बेला है मैंने इसे। और अब हम एक कोई ग्लास लेंगे छोटा सा या छोटी कटोरी लेंगे या कोई कुकी कटर हो आपके पास तो उससे हम अपनी पापड़ी कट कर लेंगे। इस तरह से क्या होता है कि हमारी पापड़ी सेम साइज़ की बनती हैं। या आप चाहें तो छोटी छोटी पूरियाँ बेल सकते हैं या फिर इस तरह से बेल के और इसे कट कर लीजिए। तो देखिए, इस तरह से आप एक छोटी सी कटोरी से भी कट कर सकते हैं। और अब हम ये एक्स्ट्रा जो आटा है बीच में इसे निकाल लेंगे और इसको हम फिर से यूज़ कर लेंगे, अपने डो में मिक्स कर लेंगे और पापड़ी बनाने के लिए फिर से यूज़ कर लेंगे इसे हम। तो ये डो में मिक्स कर दिया मैंने इस आटे को भी। और अब हम एक फोक की हेल्प से अपनी पापड़ी को प्रिक कर लेंगे ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो ये फूले नहीं और क्रिस्प बने एकदम। दोनों साइड से हम इस तरह से पलट कर और इनको प्रिक कर लेते हैं, छेद कर लेते हैं इसमें। और फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है कि पापड़ी बिल्कुल पतली हो इस तरह से आपकी। तो अब हमारा ऑयल गर्म हो गया है और मीडियम फ्लेम पे हम अपनी पापड़ी को फ्राई कर लेते हैं। हमें फ्लेम हाई बिल्कुल नहीं करनी है इसमें, नहीं तो हमारी पापड़ी जल्दी सिक जाएंगी और क्रिस्पी नहीं बनेंगी। तो मीडियम फ्लेम पे, लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे हम फ्लेम को और हम सारी पापड़ी डाल देंगे जितनी एक बार में आ जाए। जब तक ये फ्राई हो रही है तब तक हम बाकी पापड़ी बेल लेते हैं अपनी। तो 1 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही फ्राई करना है। तो 1 मिनट बाद हम अपनी पापड़ी को पलट देते हैं और हमें फ्लेम लगातार मीडियम ही रखनी है, बिल्कुल हाई नहीं करिए इसे।
तो इसी तरह हम मीडियम पे फ्राई करते हुए इसको एकदम गोल्डन फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे अपनी पापड़ी को। देखिए बिल्कुल क्रिस्पी बनी है, एकदम गोल्डन है। तो अब इसी तरह से हम जो हमने बाकी बना के रखी हैं हम इन्हें भी फ्राई कर लेते हैं। और अभी भी हम अपनी फ्लेम को मीडियम रखेंगे, लो टू मीडियम पे, हाई नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो हम सारी पापड़ी फ्राई कर लेते हैं अपनी। तो हमारी पापड़ी गोल्डन फ्राई हो गई हैं और ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है एकदम। तो पापड़ी तैयार है, हम अपना दही तैयार कर लेते हैं। अब तो दही में हम ऐड करेंगे सॉल्ट यानी कि नमक ऐड करेंगे हाफ टी स्पून, और साथ में हाफ टी स्पून ऐड कर रही हूँ ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा दही में। और बस इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, बीट कर लेते हैं। तो देखिए हमने अपनी दही को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। हमने इसमें दोनों सॉल्ट ऐड किए हैं क्योंकि ब्लैक सॉल्ट से बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। अब हम अपनी पापड़ी को अरेंज कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने पापड़ी अरेंज कर ली है 5 to 6। और अब हम ग्लास लेंगे, हम बनाएंगे कॉकटेल पापड़ी चाट। तो इसके लिए हम ग्लास में तोड़ के डालेंगे पापड़ी, क्योंकि ग्लास छोटा सा है तो हम इसमें पापड़ी तोड़ के डालेंगे। इस तरह से तोड़ के डाल देते हैं ग्लास के नीचे। और अब हम पापड़ी के ऊपर डालेंगे आलू जो हमने बॉईल करके रखे थे कट करके। तो बॉइल्ड आलू डाल देंगे, कम से कम 2 to 3 टेबल स्पून भर के डाल देते हैं हम, बहुत टेस्टी लगेंगे इसमें। तो देखिए इस तरह से हमने आलू डाल दिए हैं पापड़ी के ऊपर, और थोड़े से आलू हम डालेंगे अपने ग्लास में भी। और अब हम इसके ऊपर ऐड करते हैं दही जिसमें हमने नमक मिक्स किया हुआ है अच्छी तरह से। तो दही को हम फैला देते हैं प्लेट में अच्छी तरह से आलू और पापड़ी के ऊपर इस तरह से। और थोड़ा सा दही हम डालेंगे अपनी प्याली में भी। तो दही ऐड करने के बाद हम इस पे ऐड कर देते हैं अपनी होममेड ग्रीन चटनी। ये मेरी होममेड ग्रीन चटनी है, तो इसे हम ऐड करते हैं थोड़ी सी अपने दही के ऊपर। तो देखिए कितनी टेम्पटिंग लगने लगी है चाट अभी से मेरी। थोड़ी चटनी ऐड करेंगे हम ग्लास में, और ग्लास में हम साइड्स में ऐड करेंगे किनारों किनारों पे, ताकि जब ग्लास में से नज़र आएगी तो बहुत सुंदर लगेगी हमारी चाट। और अब हम डालते हैं इसमें मीठी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी है ये, और ये भी मेरी होममेड है। तो ये मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ग्रीन चटनी के ऊपर, और थोड़ी सी मैं ऐड कर दूँगी इसको ग्लास में। और ग्लास में मैं इसको भी साइड्स में ऐड कर रही हूँ, देखिए इस तरह से किनारों किनारों पे ऐड कर रही हूँ, ताकि हमारी चाट सुंदर लगे देखने में। तो देखिए फ्रेंड्स दोनों चटनियाँ मैंने ऐड कर दी हैं कप में भी और प्लेट में भी। और अब मैं ऐड करूँगी भुना हुआ ज़ीरा यानी कि रोस्टेड क्यूमिन सीड्स है ये, चाहे तो आप ज़ीरा पाउडर भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा सा ऐड करेंगे प्याली में भी अपने। और अब ऐड कर रहे हैं हम चाट मसाला, 1 teaspoon चाट मसाला ऐड करूँगी मैं प्लेट में, ऐसे स्प्रिंकल कर दूँगी। थोड़ा सा ऐड करूँगी प्याली में भी। तो फ्रेंड्स दोनों मसाले ऐड करने के बाद हम ऐड करेंगे भुजिया। भुजिया से हमारी चाट देखने में तो सुंदर हो जाएगी, क्रंची भी हो जाएगी और बहुत टेस्टी भी हो जाएगी। कोई सी भी कंपनी की भुजिया ले सकते हैं आप। थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ मैं कप में भी, देखिए कितनी सुंदर बनती जा रही है हमारी चाट। और अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, ताकि हमारी चाट में अच्छी सी खुशबू आए और टेस्टी लगे। तो ये धनिया ऐड कर दिया मैंने, थोड़ा सा ऐड कर देती हूँ अपने कॉकटेल चाट में भी। और अब फाइनली हम इसमें ऐड करने वाले हैं अनार के दाने, जो कि हमारी चाट को बहुत ही सुंदर कर देंगे, बहुत ही टेस्टी लगेगी हमारी चाट। और जब मुंह में आएंगे दाने अनार के तो बहुत ही टेस्टी लगेगा फ्रेंड्स। देखिए बहुत ही सुंदर लगती जा रही है चाट हमारी। और अब थोड़ा सा दही और ऐड कर देते हैं ऊपर से इसमें, देखिए आ रहा ना मुँह में पानी, कितनी टेम्पटिंग लग रही है अभी से। थोड़ी चटनी और ऐड कर देती हूँ इसमें मीठी वाली, खट्टी मीठी चटनी इमली की, इससे हमारी चाट बहुत ही टेस्टी हो जाती है, इसके बिना तो कोई चाट बनती ही नहीं है। तो लीजिए फ्रेंड्स तैयार हो गई है मेरी बहुत ही टेस्टी और टेम्पटिंग पापड़ी चाट। और अगर आप चाहें तो आप मार्केट से भी पापड़ी लेकर आ सकते हैं और फटाफट इस चाट को बना सकते हैं। और ये देखिए हमने कॉकटेल चाट बनाई है अपनी कप में,
आप किसी पार्टी में सर्व कर सकते हैं इस तरह से, बहुत ही सुंदर लग रही है ये। तो फ्रेंड्स, इस उम्मीद के साथ कि आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, आप इसे जरूर ट्राई करेंगे। मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखिएगा, सेहतमंद रहिए।